हेलो जी हिंद, नमस्कार दोस्तों। यदि आप भी रेलवे के अंदर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर रहे हैं और रजिस्ट्रेशन आप कंप्लीट नहीं कर रहे, चाहे टेक्नीशियन की भर्ती आई हो, चाहे एएलपी की भर्ती आने वाली, या फिर आरपीएफ की भर्ती आने वाली, तो इन सभी का रजिस्ट्रेशन के आप आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट से ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब इसके अंदर अब कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत ही कठिन हो गया है। यानी कि एक बार यदि आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं तो फिर आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल अपने ईमेल आईडी और पासवर्ड से ही आप अपना अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं। अब इसके लिए काफ़ी सारे कैंडिडेट परेशान हो गए हैं, वो अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके ऊपर ये ऑप्शंस आ ही नहीं रहा जो यहाँ पर लिख के आ रहा है, प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट। ये ऑप्शन क्रोम ब्राउज़र में लिख के आ ही नहीं रहा। चलिए मैं आपको देख के चलता हूँ, क्रोम ब्राउज़र पर दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये है क्रोम ब्राउज़र। जैसे यहाँ पे आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे, अप्लाई, यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ी देर प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद यहाँ पे इस प्रकार का ऑप्शन आएगा, देख सकते हैं। यहाँ पे मैं स्क्रॉल करता हूँ, स्क्रॉल करने के बाद से यहाँ पे देखिए सीधे लॉगिन हियर का ऑप्शन आएगा और यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट का आएगा। यहाँ पे प्रीव्यू वाला ऑप्शन ही नहीं आएगा जो मैं अभी आपको दिखाया। अब जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, देखिए सभी चीज़ आप भरने के बाद, सारी डिटेल आप भरने के बाद आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन होगा। जब भी आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये दो ऑप्शन आपको मिलेगा, एक नोटिफिकेशन का और यहाँ पे एक मिलेगा प्लीज़ चेक द अंडरटेकिंग। ये ऑप्शन आपको बार बार परेशान कर देंगे। तो इस ऑप्शन से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो जो सैमसंग का इंटरनेट ब्राउज़र आता है उसे आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ मिलेगा। तो दोस्तों आपको इस ऐप को डाउनलोड कर लेना, देखिए सैमसंग इंटरनेट ब्राउज़र। जैसे आप इसको डाउनलोड करेंगे, मैंने पहले से डाउनलोड कर लिया, अब यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद देख सकते हैं आप यहाँ पे प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है। ये केवल कंप्यूटर में आएगा और इस ऐप से आएगा, बाकी किसी ऐप से आपको देखने को नहीं मिलेगा। यदि ये ऑप्शन आपके मोबाइल में आ गया तो आप आरआरबी में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, चाहे एएलपी के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, या टेक्नीशियन के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, या आरपीएफ के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, या फिर आने वाली जो भर्ती है जैसे एनटीपीसी हो गया, उसके बाद से ग्रुप डी हो गया, ये सभी भर्तियां इसी पोर्टल से भरी जाएंगी। आपको एक बार रजिस्ट्रेशन करने के लिए ये काम करना ही पड़ेगा, उसके बाद से आपको फिर पूरी डिटेल भरने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपको सिग्नेचर एंड फ़ोटो अपलोड करने की ज़रूरत है, उसके बाद से आपको नंबर भरने की ज़रूरत है। चलिए मैं आपको फुल रजिस्ट्रेशन करके दिखाता हूँ कैसे आप कंप्लीट अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले या इंडिया वाले भर सकते हैं, नेपाल वाले भी भर सकते हैं, भूटान वाले भी भर सकते हैं इंडियन रेलवे में यदि वो आना चाहते हैं, और यहाँ पे तिब्बत वाले भी भर सकते हैं जो 1 जनवरी 1962 से रह रहे हैं। इसी प्रकार से पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन माइग्रेट पाकिस्तान बर्मा श्रीलंका ईस्ट अफ्रीका कंट्रीज़ केन्या युगांडा द यूनाइटेड इस कंट्री वाले लोग भी यहाँ पे भर सकते हैं अगर वो यहाँ पहले रह चुके हैं। फिर आपको अपना नाम भरना है जो कि 10th क्लास की मार्कशीट पर लिखा होगा, वही नाम आपको दोबारा यहाँ फिल करना है। फिर आपको अपना यदि नाम चेंज करना चाहते हैं तो आप यस पे क्लिक करेंगे, यदि नहीं चेंज करना चाहते हैं तो आप सिंपल इसे नो पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद से यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यानी DOB भरना है, फिर वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे कंफर्म करना है। फिर यहाँ से आपको अपना जेंडर को सिलेक्ट कर लेना है कि कौन से जेंडर में है, मेल है कि फीमेल में, यहाँ पे आप क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे डन कर लेंगे। उसके बाद से यही फिर दोबारा प्रोसेस आपको करना है, मेल अगर मेल है तो, फीमेल है तो फीमेल के ऊपर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद से फिर अपने पिताजी का नाम यहाँ भरना है, फिर अपने पिताजी का नाम दोबारा भरना है, माता जी का नाम भरना है, फिर माता जी का नाम यहाँ पे भरना है। फिर आपको क्या करना है कि यहाँ पे एक आधार कार्ड का नंबर भरना है, आधार कार्ड ज़रूरी हो गया। आधार कार्ड आपको भरने के बाद से यहाँ पे वेरीफाई बटन के ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद से यहाँ पे आपको ईमेल आईडी भरना होगा, फिर आपको जनरेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करेगा, उसके ऊपर 6 अंकों का ओटीपी जाएगा जो कि आपको इसके अंदर भरना पड़ेगा। फिर उसके बाद से मोबाइल नंबर आपको भरना पड़ेगा, फिर ओटीपी उसके ऊपर जाएगा, तब आपका वेरीफाई होगा। फिर यहाँ पे एक 8 अंकों का पासवर्ड बनाना है जिसमें आपका नाम मेंशन हो, जैसे मान लीजिए आपने इस प्रकार का पासवर्ड बनाया है तो ये मैच कर जाएगा, और यहाँ पे @ लगा सकते हैं इस प्रकार से, या फिर आप इस तरीके से पासवर्ड बना सकते हैं। और उसके बाद से कैप्चा भरने के बाद आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना, आपका अकाउंट बन जाएगा। जो कैंडिडेट अपना अकाउंट बना चुके हैं उनको ऑलरेडी हैव एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद से यहाँ पे अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड और यहाँ कैप्चा डाल के लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। यदि वो अपना पासवर्ड भूल चुके हैं तो फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक कर देंगे और यहाँ से अपना एक नया पासवर्ड बना सकते हैं। जैसे ही लॉगिन करते हैं तो इस प्रकार का पेज आपके सामने ओपन होके आ जाता है। चलिए मैं दिखाता हूँ, थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं।